नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम आर बी फ्रॉम मिटका टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बहुत सारी अलग अलग शिप्स बनी हुई हैं। तो बस आज हम इसी की बात करेंगे। इस वीडियो में हम यही देखेंगे, इसको कहते हैं कमेंट्स। अभी तक आपने सिंपल तरह का कमेंट्स देखा होगा या कुछ देखा होगा, तो आप देख सकते हैं हम इसको कितनी तरह से ब्यूटीफाई कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ वीडियो हमने पहले भी किया था, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं, उसी में कुछ और करते हैं, कुछ उसको भी रिवाइज़ करेंगे और कुछ नई चीज़ भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इन कमेंट्स को हम डिफरेंट डिफरेंट तरह से कैसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं, एक नई शीट ले लेते हैं, पहले कोई भी ये कमेंट कॉपी कर लेते हैं हम बेशक, एंड यहाँ आके पेस्ट करते हैं। तो ये मेरे पास कमेंट आ गया। इसी तरह से मैं कोई और कमेंट बना सकता हूँ, या आपको मालूम ही होगा कि कमेंट कैसे देते हैं। ऐसे इंसर्ट, इंसर्ट में आके हम कमेंट देते हैं, जो भी कमेंट हम यहाँ लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे आ जाता है। तो ये तो है कि सिंपल कमेंट्स देना, ओके। तो अगर हम मान लीजिए मेरी शीट में बहुत सारे कमेंट्स हैं और मैं देखना चाहता हूँ कि वो कमेंट्स कहाँ कहाँ हैं, तो एक्सेल हमें बहुत अच्छी ऑप्शन देता है वो रिव्यू में आके, शो ऑल कमांड। सारे कमेंट्स को मैं जब ऑन कर दूँगा तो वो सारे के सारे आ जाएंगे, अदरवाइज़ क्या होगा कि वो माउस ओवर करने पे हमको दिखाई देंगे। तो इट्स अ वेरी गुड कमांड, शो ऑल कमेंट्स कर दीजिए, यहाँ आ जाएंगे। मैं आपको इस शीट पर दिखाता हूँ। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर करता हूँ शो ऑल कमेंट्स, तो ये देखिए सारे कमेंट्स आ गए, सारे कमेंट्स चले गए, समथिंग लाइक दिस। और इसी तरह से अगर मैं मान लीजिए कमेंट्स यहाँ पे हूँ और इसको मैं कहता हूँ नेक्स्ट कमेंट पे, तो वो एक एक करके मेरे को कमेंट्स दिखाने लग जाएगा, सारा का सारा सीरियल में, जैसे जिस सीरीज में बने होंगे उसमें दिखाने लगे। अगर मैं प्रीवियस करता हूँ तो वो मेरे को प्रीवियस दिखाने लग जाएगा, समथिंग लाइक दैट। और अगर मेरे को एडिट करना है, इट्स वेरी सिंपल, मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। ये देखिए एडिट के लिए आ गया, तो हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कि हम सारे कमेंट्स कैसे ऑन करें। एक्सेल अब हमें इससे भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ देता है कि मान लीजिए ये जो रेड कलर के इंडिकेटर्स आ रहे हैं ना, ये वाले, मैं अगर ये भी ना देखना चाहूँ तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं, ऑप्शंस में जाते हैं, एडवांस में जाते हैं और यहाँ पर डिस्प्ले में जाते हैं। तो डिस्प्ले में हमें तीन अलग अलग तरह के ऑप्शंस मिल रहे हैं कि कमेंट्स नहीं चाहिए, इंडिकेटर्स भी नहीं चाहिए। मान लीजिए मैं कहता हूँ ओके, तो अब पूरी शीट में से जो कमेंट्स वगैरह हैं वो जा चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कमेंट्स उसमें आए रहें, या जो भी नए कमेंट्स हम दें वो इसके अंदर रहें, तो हम सेकंड ऑप्शन को ले सकते हैं या थर्ड ऑप्शन को, इंडिकेटर्स ओनली एंड कमेंट्स ऑन होवर। तो ये आ गया। अब क्या है कि मेरे को इंडिकेटर दिख रहे हैं सिर्फ, लेकिन जैसे मैं इसमें माउस लेके जाता हूँ वो मेरे को नज़र आने लग जाते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन इज़, वो वही ऑप्शन है जो अभी हमने रिव्यू टैब से की, रिव्यू रिबन से की थी, में जाकर कमेंट्स एंड इंडिकेटर्स, ये इसको परमानेंटली ऑन कर देगा। ये देखिए ये ऑप्शन अपने आप इसने ऑन कर दिया। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी ऑफ कर सकता हूँ और यहाँ से ऑन भी कर सकता हूँ। तो फाइल ऑप्शंस में जाकर भी कर सकते हैं ऑथराइजेशन, और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कि कमेंट्स को देखना है या नहीं देखना है, या सिर्फ माउस उस पर ले जाएं तो देखना। तो ये आपकी इच्छा है, आपकी चॉइस है कि आप इसको कैसे देखना चाहते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ, जो कमेंट्स से रिलेटेड है ऑब्वियसली, क्योंकि कमेंट्स का वीडियो है तो हम कमेंट्स की बात ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मेरे पास ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के कमेंट्स आ रहे हैं। अब ये कमेंट्स कैसे लाएं हम,
बहुत आसान है। आप कोई भी एक कमेंट बनाइए और उसको सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर आकर QAT मतलब क्विक एक्सेस टूल बार में आकर यहाँ पे एक ऑल कमांड्स ले लीजिए, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन या एक कमांड मिल जाएगी, दैट इज चेंज शेप, इसको ले लीजिए, ऐड कर लीजिए एंड जस्ट से ओके। बस अब आप इसको सेलेक्ट कीजिए एंड इस पर आकर कोई भी शेप ले लीजिए। मान लीजिए इसको मैं इस शेप में चेंज करना चाहता हूँ सपोज, तो वो इस शेप में आ जाएगा। मान लीजिए इसको मैं कोई और शेप देना चाहता हूँ, मैं ओवल देना चाहता हूँ, तो वो ओवल आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इस शेप को से क्या क्या ऑप्शंस लेते हैं। तो ये तो बात हुई कि शेप्स को कैसे चेंज करेंगे कमेंट्स की। अब हम थोड़ा अपने पिछले वीडियो की तरफ चलते हैं, जहाँ में हमने पहले बताया था कि हम फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ और कलर कैसे चेंज करेंगे और पिक्चर्स भी कैसे चेंज करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर लिंक है, आप उससे देख सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर फिर से एक बारी उसी चीज़ को रिपीट करते हैं। हम सेलेक्ट करते हैं किसी भी बॉर्डर पे आकर कोने में, जस्ट आपको राइट क्लिक प्रेस करना है एंड यहाँ पर आकर फॉर्मेट कमेंट्स में आ जाना। तो यहाँ पर आपके पास देखिए कितनी सारी ऑप्शंस जो है वो ऑन। इसमें हमको जाना है कलर एंड लाइन्स में, तो ये आ गई। अब मेरे को जो कलर देना है, सपोज मेरे को ये कलर देना है, मैं ओके कर देता हूँ, तो ये देखिए ये कलर आ गई। तो जो कलर आप देना चाहें वो आपका उस हिसाब से आ जाएगा। इवन आप लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, उसकी डैश्ड ऑप्शंस वगैरह सब कुछ दे सकते हैं। मान लीजिए मैं ये देना चाहता हूँ और इसके अंदर मैं ये कलर देना चाहता हूँ, और लाइन कलर जो है वो मैं सपोज डार्क ब्लू देना चाहता हूँ, और इसकी विड्थ जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ ऐसे। तो ये देखिए ये बन गया। तो जैसा भी स्टाइल मैं देना चाहूँ मैं जो है वो दे सकता हूँ। तो ये तो बात हुई कि कलर कैसे चेंज करें। अब पिक्चर, पिक्चर के लिए सेम वही ऑप्शन, वैसे ही फॉर्मेट ऑप्शन कमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पर एक आता फिल इफ़ेक्ट्स। अब फिल इफ़ेक्ट्स में जो मैंने पिछले कमेंट में एक डबल कलर दिया था, आप डबल कलर भी ले सकते हैं, लेकिन अभी तो पिक्चर की बात करनी है। तो मैं यहाँ पिक्चर में आता हूँ एंड यहाँ पे लेता हूँ सेलेक्ट पिक्चर। सेलेक्ट पिक्चर में अगर आप ऑनलाइन हैं तो इंटरनेट से भी ले सकते हैं, अदरवाइज आपके कंप्यूटर में जो भी पिक्चर पड़ी होगी आप उसको ले सकते हैं। ये आ गया आपका, ये देखिए ये पिक्चर ऑप्शन आपकी आ गई। तो इस तरह से कमेंट्स के अंदर आप पिक्चर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर हम एक कमेंट्स को दूसरे कमेंट्स में मतलब दूसरे सेल में कैसे लेके जाएंगे। मान लीजिए ये मैं इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको कॉपी करूँ और यहाँ ले जाके पेस्ट करूँ तो क्या होगा, सेल कंटेंट भी कॉपी होंगे और साथ साथ जो कमेंट्स हैं वो भी आ जाएगा। अब कई सिचुएशन ऐसी होती है कि मेरे को सिर्फ कमेंट्स ही कॉपी करना है, मेरे को सेल के कंटेंट्स नहीं लाने, सिर्फ कमेंट लाना है। तो वो कैसे लाएंगे, बहुत सिंपल है। आप कोई भी इसी सेल को ले लेते हैं, इसी सेल को लीजिए, कॉपी कीजिए और जहाँ पर आपको चाहिए वहाँ पर क्लिक कीजिए, पेस्ट नहीं कीजिए अभी, और यहाँ पर आकर होमवर्क आकर पेस्ट स्पेशल ले लीजिए। पेस्ट स्पेशल में हमारे पास एक
कमेंट्स की ऑप्शन आती है, सिर्फ इसको लीजिए एंड ओके। तो ये देखिए, सेल का कंटेंट कॉपी नहीं हुआ है, सिर्फ क्या आया है, कमेंट्स आए हैं हमारे पास। तो बस यही है कमेंट्स की स्टोरी, होप आपको अच्छी लगी होगी। एक्सेल में दिस इज़ अ लाइटर वन, आप अपने एक नया एज एक नई टाइप का एक यू कैन से एक नई टाइप के कमेंट्स बना सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं, विद पिक्चर्स बता सकते हैं, मान लीजिए अपने प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, कुछ भी दिखाने, तो इस तरह से आप कुछ भी ऑप्शन जो है वो कमेंट्स में ले सकते हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा नीचे और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।